हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली गुड इवनिंग हो चुका है क्योंकि 4 बज चुके हैं। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग को ऑडियो वीडियो जो है वो दोनों क्लियर हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे वापस से नहीं हो रही है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए एक बार, वीडियो चल भी रही है या फिर बस मैं ऐवे ही बैठी हुई। यहाँ से सब दिखता है कि चल ही रहा है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग हो ही रखा है। ओके, आई होप हम लोग अभी लाइव हैं और दिख रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हाल चाल, पहले ये बताओ यार, कैसे हो सभी के सभी। सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ दिव्या त्रिपाठी, आपकी अपनी जीएस मेंटर, और आप लोग का सभी का स्वागत है हमारे सेशन में, जनरल स्टडी के सेशन में। कुछ मेरे बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जितने भी अपने बच्चे हैं, एयरफोर्स, एनडीए, एक्सएनवाई, नेवी, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, आप जितने भी बच्चे हैं, आप सभी के लिए क्लास जो है काफी महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि यूट्यूब पे आपके क्लासेस तो प्रोवाइड कराए ही जाते हैं, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, उसके साथ ही स्पेशल पे भी फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप नए हैं अन अकेडमी के ऐप पे, तो वहाँ पे जाइए, अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ जाके अपना गोल जो है वो रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद वहाँ आपके सामने आ जाएगा, स्पेशल क्लास का ऑप्शन आता है, वहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं दिव्या मैम का, फ्री क्लासेस को वॉच करने के लिए। उसी तरीके से सिमिलरली जैसे आप प्लस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो बहुत सब कुछ है जो आपको मिलता है। जैसे आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, जहां पे डेली क्लासेस होती हैं, आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, आंसर पोल होते हो, और ये सब कुछ उस दौरान पे होता है जबकि क्लास चल रही होती है। लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाते हैं ताकि अपने प्रिपरेशन को आप एवेल्यूट कर पाओगे, रेगुलर मॉक टेस्ट के द्वारा, क्विजेस के द्वारा एक डिटेल एनालिसिस दे पाओगे आप। कोर्सेज बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से रहते हैं, एक लाइन में रहते हैं, ताकि एग्जाम के सिलेबस में मदद मिल सके। अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, सब्सक्रिप्शन आप एक लेते हैं, लेकिन आप बाकी जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप उनको आराम से घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में बैठ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें अपना गोल जाके जब से रजिस्टर करोगे तो आपके सामने पूरा सिलेबस खुल जाएगा, कितने सारे कोर्सेज जो है वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपके सामने सब्सक्रिप्शन का पेज खुलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि एक साल का अगर आप लेते हो आपको पड़ता है 9,680, अगर आप 2 साल का लेते हो आपको पड़ता है 14,080, मतलब पर मंथ का पड़ता है 807 और 587 रुपीज। और ये अमाउंट और भी कम हो जाएगा जब मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे दिव्या मैम का। देन डू यूज माई कोड दिव्या मैम, सजा के लगा रखा है मैंने। चलो ठीक है, अब अच्छा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जितने भी अपडेट्स होंगे वो आप लोग को मिल जाया करेंगे। अब जरा बच्चों से मिल लेते हैं एक बार। अनुज यादव वेटिंग ऑन क्लास, अनिल कुमार हाय, विवेक सही है सही है। मैं बस यार चल रही है जिंदगानी किसी तरीके से। ये कह रहे पिक्चर क्वालिटी नहीं सही है यार, देखो कोड अभी दिखा रही हूँ दिव्या मैम, DIVYEMAM मैम, कितने बोल्डली मैंने लिखा है कोड और कितने प्यार से सजा के मैंने डाला है, वो तो देखो। आधा मैंने वो हल्का रेडिश डाला है, नीचे वो डार्क वाला डाला है। चलो हाँ बच्चों, एनडीए के लिए क्लासेस जो हैं वो 12 तारीख से शुरू हो रही है मेरी क्लासेस, बोले तो परसों से। और सीडीएस वालों, आप लोग के लिए कल आ रहा है बैच अपना, ठीक है, तो रेडी रहिएगा। अच्छा हाय, हेलो हेलो हेलो, एक बात बताओ, अरे विवेक जी कैसे हैं आप। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, हम रिवाइज करते हैं रोज शाम को 4 बजे बैठते हैं, और भैया एग्जाम जो है वो काफी पास आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को भूल मत जाना, समझ रहे हो बच्चा। आई गेस उड़ान बैच है, एनडीए का जो बैच है वो उड़ान बैच है, उसमें मेरा आप लोग का वो है जीएस का मॉक टेस्ट लगा रही हूँ मैं उसमें, तो हम लोग मॉक टेस्ट के थ्रू उसमें रिवीजन करेंगे, राइट, क्योंकि उसमें मेरे आवर्स जो है वो थोड़े से कम है एनडीए वाले में, इसी वजह से हम मॉक टेस्ट उसमें बस लगा रहे हैं। अरे विवेक पहले ही जवाब दे दिए कि मैम डी डी डी। अब देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, इस हिसाब से विवेक ने कह दिया इट्स मैम DIS विक्रांत, बिल्कुल सही है। पिछली बार तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे, अरे जा वो मैंने इंक सेलेक्ट नहीं करा इसी वजह से। समर प्रताप, हेलेल, यार हेलेन सुना था यार, हेलेल कैसे हो सकता है बताओ जरा मुझे। अब मुझे इंक जो है वो सेलेक्ट करने दो। अब
आज लगता है किस्मत ठीक है। हाँ यार आज किस्मत ठीक है, आज मैसेजेस आ रहे हैं। INS विक्रांत फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत कंडक्ट करता है इसके मेडिन सी ट्रायल जो है। ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए फॉलो रॉन्ग पीरियड एंड ऑल कंडीशन बिफोर कैरियर इज एक्सेप्टेड एज अ प्रूवन एट सी। इट विल बी फुली ऑपरेशन बाय द ईयर 2022। विवेक पार्टी दो यार। अनिल कुमार कह रहे हैं मैम पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है। बेटा कुछ नहीं कर सकते, कोई कभी कभी इश्यूज आ जाती हैं, कभी कभी यूट्यूब पे बहुत सारे ग्लिचेस आ जाते हैं जिसकी वजह से शायद पिक्चर क्वालिटी जो है वो सही नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई का आपको क्वालिटी सही दिख रहा है ना, मतलब पीपीटी सही से दिख रहा है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आज पता है तुम लोगों ने वरदान भैया को नाराज कर दिया जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, पता है तुम लोगों को? क्यों बिना मतलब का बोलते रहते हो बकवास बातें, हाँ रिस्पेक्ट करने की बजाय। देखो यहाँ पे एज पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 अप टू व्हाट अमाउंट द डिपॉजिटर ऑफ द स्ट्रेस्ड बैंक पुट अप अ मॉरेटोरियम विल बी एबल टू विड्रॉ विद इन 90 डेज। ध्यान से समझना, जमा बीमा जो है जिसको डिपॉजिट इंश्योरेंस कहते हैं और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है अमेंडमेंट बिल जो आया है 2021 में, इसका नाम पक्का याद रख लेना, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल है ये, ठीक है 2021 वाला। इसमें क्या कहा गया है कि 90 दिनों के भीतर भैया कितनी राशि आप निकाल सकते हैं, आप कितना ज्यादा 90 डेज में एक लिमिट सेट कर दी गई है कि आप 90 डेज में इतने की राशि जो है आप निकाल पाएंगे। दीपक सिंह कह रहे हैं एसएससी जीडी का कोर्स लेना है, आप ले लीजिए, आप वैसे अनअकैडमी का ऐप वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना एसएससी का अपना कोर्स जो है वो सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप एसएससी का कोर्स अपना सेलेक्ट कीजिएगा, गोल में जाके, गोल समझ रहे हो ना, तो वहाँ पे जाके करोगे तो तुम्हारे सामने खुल जाएगा सब्सक्रिप्शन का पेज। तो अगर तुम्हें एक महीने का लेना है, दो महीने का लेना है, एक साल का, दो साल का लेना है, तो आप आराम से ले सकते हैं वहाँ पे। तब देंगे बड़ी पार्टी। अच्छा ओके 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 कह रहे हैं ए बोले तो 5 लाख। अरे वरदान तुम क्लास में क्या हो गया, तबीयत ठीक है? तुम लोग उदास कर दिए थे इसको, पता है बिना बात के सब बोलते हो कि चीटिंग करके दे रहा है, चीटिंग करके दे रहा है, बच्चा इतना सेंसिटिव है। अभी तुम लोग दुनिया से रहने के लिए रेडी हो, तुम लोग को कोई मजाक मजाक वाली चीजें लग जाती है कभी, कि किसी किसी को बहुत सेंसिटिविटी लग जाती है, क्योंकि मेहनत करके बच्चा जब देता है ना, तो अभी वहां पर जब कोई और बोलता है तो बुरा लग जाता है। देखिए यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया था डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल को, और इस अमेंडमेंट के तहत बैंक डिपॉजिट को 5 लाख के लिए कवरेज कहा था गवर्नमेंट जो होगी अगर बैंक फेल हो जाती है तो। अच्छा तुम लोग को SLR पता है, CRR पता है, एक बार मुझे बताना, तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताना। बहुत ही नॉमिनल सी चीज है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। क्या आपको पता है CRR क्या होता है और SLR क्या होता है? अरे विवेक तुम दोनों प्यारे प्यारे भाई हो ना यार, बड़े भाई छोटे भाई दोनों के दोनों, स्वीट स्वीट से। अब देखो विच रशियन सिटी वॉज वेन्यू ऑफ इंडिया रशिया ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंद्रा 2021। इसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, इसका नाम पूछा था लास्ट वाले में, मैं आप लोग से नाम पूछा था। आप पूछ रही हो कि किस जगह पे हुआ था ये कंडक्ट, बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समर कह रहे हैं 3rd का ए, ओके। कृपया करके आप लोग अपने हाथ चलाएं और कृपया करके जवाब दें प्लीज। रोहित 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 भी कह रहे हैं ए, हेल भी कह रही है बी, विवेक कह रहे हैं ए, ओ ए ए, एब्सोल्युटली राइट इट्स ए। देखो यहाँ पे भैया वोल्गाग्राड ऑन 4th August 2021 को एक ओपनिंग सेरेमनी जिसने देखा अनफेयरिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ बोथ द कंट्रीज एंड ऑफिशियल रिलीज स्टेटेड दैट एक्सरसाइज इंद्रा 2021 विल इनहांस दोनों के बीच के जो रिलेशन है इंडियन और रशियन आर्मी के बीच में। यार क्या फील आया था ना जब ओलंपिक में जब हमारा राष्ट्रगान जब बजा, नीरज चोपड़ा, मतलब माइंड ब्लोइंग वैसा वाला, समझ रहे हो? Now, which state government recently decided that no Gorkha citizen will be prosecuted under Citizenship Amendment Act? बहुत ही important pass हुआ है Citizenship बेचा Amendment Act जो था 1955 वाला, ठीक है, पढ़ाया था मैंने आपको। तो government ने ये कहा, किस राज्य की सरकार ने ये कहा है कि किसी भी गोरखा वाले को
अब आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते इस एक्ट के अंतर्गत। संदीप कह रहे ए ए ए, अरे इसका जवाब दो, फोर का मणिपुर, सिक्किम, आसाम, नागालैंड। आजकल ये जो इसकी सरकार है ना, जो मुख्यमंत्री साहब है, बड़ा धमाल मचा रहे हैं आजकल, नए नए बिल लेके आ रहे हैं। समर कह रहे हैं सी, वरदान कह रहे हैं आसाम, बोले तो सी। यार आज थोड़ी सी पता नहीं क्या यहाँ पे ओबीएस पे पिक्चर सही आ रही है, यूट्यूब पे शायद कोई ग्लिच हो रहा है। यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल सही और क्लियर आ रही है, ओबीएस के मतलब हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर बिल्कुल सही आ रही है कैमरे से। यूट्यूब पे कोई ग्लिच आ रहा है आई गेस, बहुत ही डार्क और शेडो जोन में पिक्चर आ रही है। कोई ना, नो इश्यूज, देख लिया जाएगा। एब्सोल्यूटली राइट इस आसाम भैया, मुख्यमंत्री साहब जो है वो अभी एकदम क्या कहते हैं, बवाल वाली मुद्रा में है। कैबिनेट ऑफ आसाम जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि कोई भी न्यू केसेस जो होंगे विल बी रजिस्टर्ड अंडर गोरखा कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ द फॉरेनर ट्राइब्यूनल एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड केसेस विल बी विदड्रॉन। जो पहले से रजिस्टर्ड जो केसेस हैं गोरखा के खिलाफ उनको विदड्रॉ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई आने वाले कोई केसेस होते हैं गोरखा कम्युनिटी के से रिलेटेड तो कहाँ जाएगा भैया, फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में, समझ रहे हो। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्वास शर्मा जो है उन्होंने कहा है कि नो गोरखा सिटीजन जो है उनको प्रोसिक्यूट अप कर दीजिएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे जो गोरखा रहते हैं करीब 25 लाख गोरखा जो है वो कहाँ पे रिसाइड करते हैं, आसाम में। ओके अनुज, देखिए यहाँ पे, अरे दीपक और क्या, कितने बच्चे कहाँ चले गए बाकी लोग, जवाब नहीं। आकाश, मैं तो यही रहती हूँ, मेरी क्लासेस तो यही चलती है, मैं कितने जाऊंगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियन बिल 2021। अब इनमें से आप बताइए कि कौन भारतीय विमान पतन आर्थिक नियामक प्राधिकरण 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो पास हुआ है ना एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडियन बिल 2021, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ताकि ये छोटे छोटे एयरपोर्ट बनवा सके, या जो छोटे एयरपोर्ट जो पहले से बने हुए हैं उनको मॉडिफाई कराएं, या पेयर कर दें, जितने भी स्मॉलर एयरपोर्ट्स हैं ना उनको बड़े एयरपोर्ट में मर्ज कर दें साथ में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। स्पैम नहीं, स्पैम नहीं, मैंने देख लिया आपके मैसेज को। समर कह रहे हैं 5B, नॉट श्योर। कितने शरीफ शरीफ, संदीप कह रहे हैं अरुण मैम, शरीफ बच्चे हैं यार। एनीवन एल्स, अनुज कह रहे हैं 5C, अरे विवेक भी कह रहे हैं नो आइडिया, वरधान भी कह रहे हैं नो आइडिया। ओके 16 बच्चे हैं अभी इस टाइम पे, और क्या मतलब अगर कुछ बच्चे जवाब नहीं देंगे तो बाकी लोगों का जवाब नहीं आएगा क्या अभी, एकदम बताओ तो पहले मुझे, एकदम क्लियर एंड कट। मैम डायरेक्शंस पढ़ाती हैं क्या, देखो बेटा जो काम बैंकों के साथ हो रहा है ना, बैंक के साथ क्या काम हो रहा है बताओ, मर्जर हो रहा है बैंकों के साथ, तो भी बिल्कुल यही होगा, पेयर कर दिया जा रहा है, जितने भी स्मॉलर एयरपोर्ट है, छोटे छोटे एयरपोर्ट है अगर उसी स्टेट में, क्या कर दिया जा रहा है, मर्ज कर दिया जा रहा है बड़े बड़े एयरपोर्ट के साथ। अब ये पैसेज जो है राज्यसभा में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट 2021 में अप्रूव कर दिया है दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ने, अभी अभी 4 अगस्त को अप्रूव किया है, याद रखिएगा ये अभी की न्यूज है, 4 अगस्त 2021 को पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। इस बिल को पास किसने किया था, लोकसभा ने किया था, ठीक है 29 जुलाई को। अब ये बिल ये कहता है भैया प्राइवेटाइजेशन कर दो, खत्म कर दो, जो छोटे एयरपोर्ट हैं
जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनको प्राइवेटाइजेशन कर दो, उनको खत्म कर दो, क्योंकि उसमें से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उनको ना एक कर दो लार्जर एयरपोर्ट के साथ। अब सिर्फ मतलब सिर्फ बड़ा वाला जो एयरपोर्ट है, सिर्फ लार्ज जो है सिर्फ वही रहेगा। वेरी गुड। देखो यहाँ पे ना, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज टाइड अप विद द मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन टू एक्सपेंड रीच इन रूरल एरियाज। अभी अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस संस्थान ने, किस संगठन ने टाई अप किया है मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ ताकि वो अपना एक्सपेंड कर सके रूरल एरियाज में भी? ओके आकाश, समर बहुत जल्दी तुम प्लेन में बैठोगे और अपने पैसों से बैठोगे। लोग बैठते हैं घर वालों के पैसे से, तुम अपने पैसों से बैठोगे, चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारा वक्त आ रहा। ए हाँ बच्चा, ये क्लास बिल्कुल यूजफुल है एनडीए वालों के लिए। विवेक कह रहे हैं बी, ये आप लोग करंट अफेयर लाया ही इस तरीके से जाता है, आपका सवाल बनाए ही इस तरीके से जाते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने पार्टनर कर लिया भैया मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ और इनिशिएटर ऑफ द देखो ऐसा ही प्रोपे जो है प्रोवाइड करता है डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। नाम क्या रहेगा भैया उसका? सही पे, सही चीज पे करो, समझ रहे हो? एसबीआई जनरल ने जो कि लेवरेज दे रहा है कस्टमर को बेसिस पे कि मैक्सिमाइज करेगा नॉन लाइफ पेनिट्रेशन रेट जो है कि रूरल एरियाज में, और प्रोवाइड करेगा अलग अलग तरीके के नॉन लाइफ इंश्योरेंस। देखो बैंक, बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक? बैंक इज एन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन, राइट? कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उसमें कमर्शियल बैंक जिस तरीके से कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, अगर वो लोन नहीं देंगे उनके पास पैसे नहीं आएंगे, लेकिन लोन देने के साथ साथ बच्चा नहीं बैठेंगे तो घर कैसे जाएंगे आकाश, बताओ जरा। सुनो अभी क्या है, अब जितने भी हैं अगर ये लोन नहीं देंगे तो इनके पास प्रॉफिट नहीं आ पाएगा, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोन प्रोवाइड कराना, हम सबको पता है ये चीज। लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारे और भी एरियाज से पहुंच चुके हैं बैंक। आज आपको ट्रेडिंग करनी है, बैंक वाले कहते हैं हमारे थ्रू करिए, हम आपको करा देंगे ट्रेडिंग। कहाँ पे सही इन्वेस्ट करना हम बताएंगे, म्यूचुअल फंड में डालना है हम बताएंगे। आपकी पेंशन की बात है, आपका पेंशन आप बैंक से हम रिलेट कर देंगे, हम लिंक कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें। In August 2021, which country become the latest entrant to the coalition of disaster resilient infrastructure? सुनो आकाश चौधरी, ये वाईफाई स्टडी नहीं है, यहाँ बच्चे जवाब नहीं देंगे तुम्हारे सवाल का कि आप कहाँ से हो। ये सारे डिफेंस वाले बच्चे हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडेड बच्चे हैं, समझ रहे हो? सबके सब एकदम चुपचाप बस पढ़ने में ध्यान रखते हैं ये लोग। इन अगस्त 2021, विच कंट्री बिकम द लेटेस्ट एंट्रेंट टू कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जामैका, जमा इसको क्या कहते हैं, जमा क्या, इटली, जाने दो। मेरे फोटो पर तब कीजिए, क्या करे तुम्हारी फोटो पे क्या करे बेटा? राधे राधे, वेरी गुड। अरे ना ना आकाश, छेड़ रही थी तुमको, मजाक कर रही थी, छेड़ रही थी। मैं कह रही थी इनका ध्यान ना ज्यादा आंसर देने पे रहता है, इनका ध्यान जो है ना बहुत ज्यादा रहता है सवालों के ऊपर। क्या है, इस बहुत सीरियसली लेते हैं, आप इनके साथ पढ़ोगे आप भी पढ़ाई को सीरियसली लेने लगोगे। आप बस रेट देखो किस तरीके से, हट, बेइज्जती नहीं कर रही, आप रेट देखोगे ना क्या होता है ना, जब वो कंपटीशन जब मिलता है तो आपको समझ में आएगा। आप देखना यहाँ पे बच्चे जैसे ही सवाल जाता है बच्चे यहाँ पे तुरंत आंसर करते हैं सीधे एक बार में। कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लॉन्च किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा साल 2019 में। सीडीआर जो है 25 कंट्रीज से 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज मेंबर, नाउ बांग्लादेश। हां जी चल इधर आ जाओ। विच कंट्री वॉन वुमेन्स हॉकी गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक 2021? अर्जेंटीना, नीदरलैंड, बेल्जियम या फिर ग्रेट ब्रिटेन? बताइए। वुमेन हॉकी गोल्ड टोक्यो ओलंपिक जो अभी हुआ है 2021
2021 वाला, 2020 वाला ये कह सकते हैं एक्चुअली इसको, उसमें किसने जीता है स्वर्ण पदक? जल्दी जल्दी जल्दी, अरे नीरज चोपड़ा भाई साहब हम, अरे वुमेन हॉकी कह रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने किसमें जीता है, गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने किसमें, इंडिया की तरफ से है नीरज चोपड़ा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, भाला फेंक के ना तुमको ना 7 अगस्त को मनाने वाले हैं हम लोग, भाला फेंक दिवस भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है 23 साल की उम्र में, देखो बस पूरा दुनिया पागल हो रखा है उनके लिए, अभी लड़कियां लड़के सब पागल हो रखे हैं नीरज चोपड़ा के लिए, तुम लोग भी ना। आठ मेरी बहनों को हरा के जीता है, क्या फर्क पड़ता है? यस यस एब्सोल्युटली राइट, नीदरलैंड, टोक्यो ओलंपिक में नीदरलैंड ने वोन क्या जीत लिया, वुमेन हॉकी गोल्ड मेडल बाय बीटिंग अर्जेंटीना विद 3-1 स्कोर इन द फिनाले व्हिच वाज हेल्ड इन 6 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ये मैं इन पे ना एक ये लेके आऊंगी, सेशन लेके 15-20 मिनट का इनके बारे में, बहुत सही था, गोल प्लेइंग इट माय वे अ शॉट एट हिस्ट्री एस अगेंस्ट ऑड्स। हाँ, काश, हाँ विवेक कह रहे हैं ए, समर भी कह रहे हैं ए, वरदान भी कह रहे हैं ए, बोले तो गोल। ओके संदीप, संदीप एग्जैक्टली खेल रत्न अवार्ड विच इज द इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होता है, ये किन के नाम पे किया था भैया, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने किन के नाम पे 6 अगस्त 2021 को, और चेरिश किया था इस ऑनर को, हॉकी के लेजेंड जो रहे थे ध्यानचंद उनको अवार्ड दिया गया था, और अब कहा जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये जो गोल होगा गोल टाइटल होगा किसका भैया, ऑटोबायोग्राफ मेजर ध्यानचंद का, पता है ना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पे क्या रखा गया था, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा दिया जाता था खेल, अगर तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रैंक लाए हो है ना, सर्वोच्च खेल सम्मान के रूप में कौन सा दिया जाता था तुमको अवार्ड, राजीव गांधी के नाम पे रखा हुआ था, याद है ना राजीव गांधी के नाम से हम लोग कितने सारे करंट अफेयर्स हमने करे थे। अब इस पूरे पुरस्कार का क्या कर दिया गया है, नामकरण कर दिया गया है किनकी याद में, बेटा सुनो राव गेमी मेरे पास ये पावर है और तुम जो हो अब हो गए तुम ब्लॉक, समझे, ध्यान से रहो लिमिट में रहो, डिफेंस वालों की क्लास चल रही है ठीक है, फालतू चीजें अलाउड नहीं है यहाँ पे, बच्चे यहाँ सीरियसली पढ़ने आते हैं। चलो विच कंट्रीज होस्ट टू द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021, कौन होस्ट रहा था अंतरराष्ट्रीय खेल खेलों का 2021 की मेजबानी जो था वो कौन कर रहा था? राइट राइट आकाश, जल्दी जवाब, इस बार जो हुआ था इंटरनेशनल आर्मी गेम्स जो हुआ था 2021 में, तो किस देश ने उसकी मेजबानी करी थी, किस देश ने होस्ट करा था, रशिया, जर्मनी, चाइना, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। ये बात तो सही है विवेक, अरे यार ऑफलाइन में होते तो बड़ा मजा होता पता है। एग्जैक्टली राइट, इट्स रशिया, देख लो समर 101 मेंबर जो है कॉन्टिजेंट के और इंडियन आर्मी के प्रोसीड कर रहे थे रशिया की तरफ पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरनेशनल आर्मी गेम्स जो कि 2021 में होने वाला है, कब होने वाला है, 22 अगस्त को शुरू होने वाला है और 4 सितंबर तक ये चलेगा। अब भैया ऐसे पार्टिसिपेट कर रही है आर्मी स्कॉट मास्टर कॉम्पिटिशन पोलर स्टार्स एल्ब्रस रेंग, अभी देख सकते होगा मुकाबला जो है वो जबरदस्त,
Now, which organization has released Climate Change 2021, the physical science basis report? किसने रिलीज करी है? ये सारे करंट अफेयर्स हैं अभी वाले. जल्दी. मेरे से ऑफलाइन में? हाँ, थप्पड़ खाओगे. बताओ, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द क्लाइमेट चेंज 2021 फिजिकल साइंस बेसिक रिपोर्ट? राइट राइट राइट. वरदा ने जवाब दिया है ए, समर ने जवाब दिया है ए, विवेक ने जवाब दिया है. बहुत 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 अच्छे. वेरी गुड वेरी गुड. देखो यहाँ पे इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत अच्छा. आगे बढ़ जाओ. किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है सीखो और कमाओ स्कीम? सीखो और कमाओ, इसको हम क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं से स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं. इसके लिए बहुत सारी क्लासेस भी बच्चों को दी जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आप बच्चों को, स्टूडेंट को ऑनलाइन भी पढ़ाते हो. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? विवेक जवाब दे. प्रधान समर जवाब. पता है क्या होता है, सैनिटाइजर देखने से ही ना हाथ में लगाने का मन कर जाता है, स्मेल बहुत अच्छी आती है. कैन यू मैरिड मी? बेटा पहले क्लास इंग्लिश अटेंड करें, हमारी क्लास अटेंड कर ले, इंग्लिश सुनते सुनते सीख जाएंगे, ठीक है, फिर मैरिड वाला बात करें. वरदान कह रहे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर. ओके ओके ओके. देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. सीखो और कमाओ स्किल जो है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी जस्ट. 14 से 35 साल के जितने भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, देखो यहाँ पे एम कर रहा है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूविंग द एम्प्लॉयबिलिटी एंड एग्जिस्टिंग वर्क. देखो जितने भी है लोग हैं, बच्चे हैं, सबसे पहली चीज उनमें एजुकेशन देना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं होगी ना, अगर तुम्हारे पास शिक्षा नहीं होगी. आकाश सुनो एक सेकेंड, मुझे तुम्हारा कमेंट हटा देने दो. हाँ बेहतर, अच्छा लग रहा है. अब देखो यहाँ पे आके डोंट डू दिस मीटअप, अच्छा नहीं लगता है. आप लोग छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बच्चों मजाक मस्ती करते हो, बोर हो जाते हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हर बार नहीं. जब आपके पास शिक्षा होती, जब आपके पास नॉलेज होता है, तो आप कमा लेते हो. स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है. बस यही काम अभी जो सरकार है वो कर रही है. क्या मैम प्लीज मार खाओगे, थप्पड़ खाओगे एकदम, समझ रहे हो? 14 से लेकर 35 साल के जितने भी एज ग्रुप के हैं लोग, उन पे फोकस करना, एजुकेशन देना, कोई भी स्किल डेवलपमेंट कराना, ताकि उनको रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिल पाए. अगर मैं कहूंगी कि बच्चे तुमको काम आएगा ही नहीं, तो तुम कैसे कुछ कर लोगे? हु इज द ओनली फेंसर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक सिंस द फेंसिंग स्पोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस? बताओ. ए बताओ यार, तुम लोग तलवारबाजी का खेल शुरू होने के बाद से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का एकमात्र फेंसर कौन है? भवानी देवी, बिक्की, एना, रिया. कांग्रेचुलेशन अविनाश. तुम लोग जो हो ना, विक्की भाई, विवेक भाई, मैम गुस्सा करती है. बॉल पार्टी में आना पड़ेगा इफ यू गॉट सेलेक्टेड. हाँ हाँ ओके एग्जैक्टली राइट. इज ए भवानी देवी फर्स्ट इंडियन फेंसर है जो कि क्वालिफाई की है ओलंपिक के लिए. 2020 का जो समर ओलंपिक रहा था, भवानी देवी बिकम शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स. द 8 टाइम नेशनल चैंपियन हैड फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द रियो ओलंपिक. और उन्हें स्पोर्ट्स का करियर जो है उन्होंने 2013
3 में इसकी शुरुआत करी थी। देखो मेहनत, देख रहे हो कब से कब का मेहनत लगता है। नीरज चोपड़ा के बारे में देखो कब से मेहनत लग रहा है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। विच आर द टू फीमेल वेट लिफ्टर ऑफ इंडिया टू विन विन ओलंपिक मेडल। हमारी दो फीमेल वेट लिफ्टर जो है भैया, उन्होंने जीता है ओलंपिक में मेडल। ये दो बार क्यों इंग्लिश में ही रिपीट हो गया है सवाल। संदीप बोलो ना बच्चा, देख तो रही हूं बच्चा। बताइए कुंजरानी देवी का नाम, मेरा भाई शानू का नाम, मेरा भाई शानू नीलम। बताइए 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 जल्दी जल्दी। अभी अभी की रिपोर्ट है और इतनी देर नहीं लगनी चाहिए जवाब को देने में। समर कह रहे हैं 14 का बी। मुझे ले ले भाई बहुत बहुत विवेक, तुम वो एंटिक। लेकिन पता है मीरा भाई करा, वेरी 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 गुड। सबको पता है बहुत ही गर्व की बात है ये। हाउ मेनी मेडल सो फार इंडिया हैज वॉन इन एथलेटिक एट द ओलंपिक। अब तक एथलेट्स में हम लोगों ने कितने पदक जो है हमने जीते हैं? 3, 1, 2, 4। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हां जी कपिल जी बोलिए। सामर कह रहे हैं 15 का बी है। ओके 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 यार देखो घबराते नहीं जवाब देते वक्त। एब्सोल्युटली राइट, इट्स वन नीरज चोपड़ा जो कि जीत चुके हिस्टोरिक गोल्ड इंडिया के लिए एथलीट बाय थ्रोइंग 87.58 मीटर मेंस जावलिन थ्रो फाइनल। नॉट ओनली दिस, इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल हुआ है अब तक हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, जब से हमारा देश आजाद हुआ है बच्चा। है मतलब यार वो सुकून के पल थे। अरे नीरज चोपड़ा के लिए पूरी दुनिया में पागल हुई पड़ी है पता है तुमको। एथलीट एट द ओलंपिक बट ऑल्सो द ओनली मेडल एवर बाई इंडियन फ्रॉम एथलीट्स। काम ही ऐसा किया है, हम लोग तरस गए थे गोल्ड के लिए मतलब कितने सालों से। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली 79th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। अभी 79th एनिवर्सरी मनाई गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट का। अब जिस प्लेस पर किया गया था, मुंबई में, जहां से महात्मा गांधी जी ने आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी अंग्रेजों को भगाने के लिए। उस टाइम पे डू और डाई वाला जो सीन था, करो या मरो का आह्वान किया था। याद है डू और डाई वाला सिचुएशन हमने कितना ज्यादा इस्तेमाल करते थे हम लोग वर्ल्ड कप के टाइम पे। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी और वर्ल्ड कप का हमने जीता था उस ईयर, वर्ल्ड कप जीता था। मैं स्कूल में थी उस टाइम पे और क्या बैठे हुए थे ऐसे टीवी से क्लोज हो गए कि अच्छा अभी 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 पता चलेगा। फिर अचानक से लाइट चली गई, ठीक है इन्वर्टर चालू नहीं हो रहा है, तो जल्दी जल्दी उस फोन आता था, वो एक्सप्रेस म्यूजिक का एक फोन आता था उस टाइम पे। आई गेस नोकिया का वो चलता था एक्सप्रेस म्यूजिक का उस टाइम पे। अरे स्टार्ट करो स्टार्ट करो, कुछ तो सुनाई दे। चलो बताओ। समर कह रहे हैं 16 का डी, गेटवे ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कोई बात नहीं। बता मैम जी हम तो छोटे थे उस, मैम हम तो छोटे थे उस टाइम बहुत। कोई बात नहीं, जाइए जाइए क्लास ले लीजिए, क्लास ले लीजिए आराम से। 79th एनिवर्सरी जो थी क्विट इंडिया मूवमेंट की ऑब्जर्व की गई 8 अगस्त 2021 को। इस दिन पे 1942 में फादर ऑफ द नेशन है ना महात्मा गांधी जी ने क्लेरिन कॉल दिया था डू और डाई का, और ड्राइव किया कि ब्रिटिशों को ऐसे भगा सके। मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो गोईवाला टैंक जो मुंबई में है वहां से शुरू किया था। इसी दिन पे अगस्त में क्रांति डे जो है हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। कैमाडोर कासरगोड, पैटन सेठी, गोपाल राव पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर उनको अवार्ड मिला था महावीर चक्र से, बताइए।
ये लैग क्यों हो रही है आजकल, ये वीडियो इतनी लैग क्यों हो रही है? वाईफाई तो बिल्कुल सही जा रहा है, फिर वीडियो लैग क्यों चल रही है इतनी? यार तो वीडियो बिल्कुल सही दिख रही है। एब्सोल्यूट राइट्स इज 1971, महावीर चक्र इनको प्राप्त हुआ था, वीर सेवा मेडल भी। पूर्व उन्होंने पूरी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि अब बांग्लादेश में राव ने पश्चिम बेड़े के एक छोटे से कार्य समूह का नेतृत्व भी किया था, और ऑपरेशन कैक्टस लिली के हिस्से के रूप में कराची के तट पर एक आक्रमक अभियान भी इन्होंने चलाया था। और 7 दिसंबर 1971 की रात को दुश्मन के पानी में समूह का नेतृत्व किया और दो विध्वंसक और एक माइनर स्वीप को डुबो दिया था इन्होंने। Who chaired the UNSC High Level Open Debate on Enhancing Maritime Security? बताइए, एस जयशंकर, टी एस त्रिमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन या फिर नरेंद्र मोदी? कोई बात नहीं सैफ, चलिए बताइए जवाब। समर कह रहे हैं जिनका डी है, कपिल कह रहे हैं बी है, एनीवन एल्स? जवाब जवाब जवाब। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने पर यूएनएसएच ने उच्च स्तरीय खुली बहस के लिए अध्यक्षता किसने की? देखिए यहाँ पे, अरे भाई जब बात चल रही है किसके बारे में, इंडिया के बारे में बात हो रही है ना, इंडिया में मोदी जी के रहते हुए कोई और चला लेगा बात अपनी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे लोग की? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन लद्दाख? चूंकि लद्दाख में अब हमारा विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित होने वाला है बहुत ही जल्दी, बताइए उसका नाम क्या है? इंडस टेक यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज? क्या नाम रहने वाला है? ओके कपिल, जवाब जवाब जवाब। लद्दाख में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नालायको, जवाब दो। समर कह रहे हैं 19 का सी, वरदान भी कह रहे हैं सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बेटा एक काम करो, घर जाके ना ये जो टर्म है बेबी बेब्स, प्लीज गो और अपने घर पे एक बार यूज करने का इस्तेमाल करें। आपकी माता श्री की जो चप्पलें हैं वो आपको बहुत सही मार्गदर्शन दिखाएंगे दुनिया में, ठीक है? एक बार घर पे जाइए और अपनी माता जी से थोड़ा प्रेम जताने की कोशिश कीजिए, बेबी और बेब्स कह के। बहुत सही, आपका जो भूत है ना वो उतर जाएगा, समझे? हमारे यूपी की मैं की बात कहते हैं, जब भौकाल देखोगे ना बेटा तो एक बार में उतर जाएगा, समझे? चुपचाप पढ़ाई करने बैठ जाओ। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, पार्लियामेंट ने पास किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि सीकर एस्टैब्लिश करने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कहां पे? अब हमारे यूनियन टेरिटरी जो कि क्या है, लद्दाख। राज्यसभा ने बिल को पास किया 9 अगस्त 2021 को, और लोकसभा ने क्लियर किया है इसे, कल की ही बात है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल जो है अमेंड कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 वाला। याद रखना ये जो बिल है ये अमेंड कर रहा, संशोधन कर रहा है किसमें? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में। क्या हुआ आकाश, बोलो। विवेक, द यूनिवर्सिटी विल कैटर टू ऑल एरियाज ऑफ लद्दाख दैट विल इंक्लूड लेह और कारगिल, ठीक है? पीएम मोदी विल बी एड्रेसिंग द इंडस्ट्री टू एन एनुअल मीट में पीएम मोदी जी जो है वो एड्रेस करने वाले हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट करने वाले हैं इसकी मीटिंग में? आज का आखिरी सवाल आप सभी के लिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।
फटाफट। जल्दी यार तुम लोग ना हाथ दो। देखो यहाँ पे कॉन्फेडरेशन होने वाला है इंडियन इंडस्ट्री का, जाहिर सी बात है एड्रेस करने वाले हैं 11 अगस्त को। और 11 अगस्त सिर्फ मोदी जी एड्रेस नहीं करने वाले हैं, 11 अगस्त को सीडीएस के बैच में हम लोग भी आ रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है यार, सूरज नहीं था क्लास में, कहाँ गया आज? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। ये कल होने वाला, ये ऑर्गेनाइज होने वाला कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, जितने भी भैया बिजनेसमैन है वो बैठेंगे, यूनियन बजट पे आकर डिस्कशन करेंगे कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या हम कर सकते हैं, बिजनेस प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से पैसों का जो फ्लो है वो सही तरीके से जाए, कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, इन सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। देखो बेटा क्या है ना, क्या है ना, संदीप चल रही है ऑनलाइन क्लास और हम हैं एक कंपनी में, ठीक है आओ कभी तुमसे अकेले हम बतियाएं, फिर तुमको बताते हैं ये जो तुम्हारा जो चलता है ना बाकी चीज, भूल रहे हैं आपके हम एडवोकेट हैं, वो भी क्रिमिनल एडवोकेट हैं, बहुत गलत नक्शे कदम पे जा रहे हैं आप लोग, और आप साइबर में हैं क्योंकि आप ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं, दिस विल फॉल अंडर साइबर। चलिए थैंक यू एवरीवन, बहुत ही प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, रिविजन हमारे साथ बने रहिए, रिविजन करते रहिए, नए नए कुछ रोज नया सीखने को मिलता रहेगा आप लोग को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितने भी नए अपडेट्स हैं क्लासेस के वो आप लोग को मिलते रहेंगे टाइम टाइम। मिलते हैं शाम को स्पेशल क्लास में, शाम को 7 बजे, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अरे शुक्रिया शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।